हे गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन लाइव गुड टेक। दोस्तों, सो गाइस, रिसेंटली अभी सैमसंग ने एक दो महीने पहले अपने दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हुए थे, सैमसंग S23 FE और सैमसंग S23 FE Plus। तो अब सैमसंग अपने एस सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए सैमसंग S24 को करने वाला है लॉन्च। तो सैमसंग के एस सीरीज वाले स्मार्टफोन में क्या क्या इसके वेरियंट होंगे, क्या क्या इसके मॉडल्स होंगे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे अगर देखा जाए तो सैमसंग ने जो गैलेक्सी एस सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च किए हुए हैं वो एक दो नहीं, बहुत सारे इसमें वेरिएंट और मॉडल्स आपको मिलने वाले हैं, और ये फुल टू कंपटीशन देने वाला है सौमी के 14 सीरीज वाले स्मार्टफोन को। तो सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज के वेरिएंट्स को अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी S24 मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस मिलता है, S24 5G मिलता है, S24 अल्ट्रा मिलता है। तो सैमसंग के एस सीरीज में जितने भी मॉडल्स हैं सभी पे तो फोकस करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मेन फोकस हमारा होगा सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर, क्योंकि ये स्मार्टफोन चैलेंज करेगा सौमी के 14 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स को। जैसे कि सौमी ने अनाउंस किया है कि जो 14 सीरीज के स्मार्टफोन होंगे उसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3rd का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि वर्ल्ड में पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको ये प्रोसेसर लगा हुआ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने भी अनाउंस किया है कि भाई जो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा मॉडल का स्मार्टफोन आएगा ये भी स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3rd वाले प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के अगर फुल परफॉर्मेंस की डिटेल्स में जाते हैं तो स्मार्टफोन आता है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3rd प्रोसेसर के साथ। स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर एक 4nm बेस्ड प्रोसेसर है और मैक्स 3.3 GHz पर क्लॉक है। सैमसंग के एस सीरीज के जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होंगे वो एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको मिलेंगे। लीक्स की अगर मानते हैं तो S24 अल्ट्रा का डिस्प्ले आपको 6.8 इंच का मिलेगा, जो कि QHD प्लस एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले की अगर और डिटेल में आते हो तो भाई यहाँ पर आपको 120Hz और 144 ये दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं रिफ्रेश रेट के, और रेजोल्यूशन को अगर देखते हैं तो 1440 और 3200 का मैक्स रेजोल्यूशन इस डिस्प्ले में आपको मिलेगा। 516 PPI की डिस्प्ले डेंसिटी मिल जाएगी, मतलब कि इमेज की शार्पनेस वगैरह आपको काफ़ी बेहतर मिलने वाली है। ओवरऑल अगर डिस्प्ले और चिपसेट को देखते हैं तो भाई परफॉर्मेंस के लिए जो प्रोसेसर है और GPU है वो भी काफ़ी एक नंबर है, और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी एक नंबर है। तो एक बार देख लेते हैं इसके कैमरे को भी, भाई इसमें क्या आपको मिलने वाला है। तो सैमसंग S24 अल्ट्रा का जो कैमरे का सेटअप आपको क्वाड सेटअप के साथ मिलने वाला है। इसका जो मेन कैमरा है वो आपको 200 MP का मिलेगा। सेकंड कैमरा इसका 50 MP का एक टेलीफोटो लेंस के साथ आएगा, मतलब कि आप इससे चांद वगैरह की फोटो एकदम क्लियर ले सकते हैं। बाकी के दो कैमरे आपको 12 MP और 10 MP के मिलेंगे, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए और डेप्थ के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर S24 अल्ट्रा की जो मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 8K की रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे 24 FPS पर, और फ्रंट कैमरे से आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS पर। तो यहाँ पर जो आपको फ्रंट कैमरा मिलता है वो 12 MP का ही मिलता है। कंपनी का क्लेम है स्मार्टफोन 8GB रैम LPDDR5X के साथ आएगा, जिसमें यूजेबल जो रैम कैपेसिटी है वो 6.9 GB की ही है। वहीं स्टोरेज के लिए आपको 128GB की UFS 3.3 जनरेशन का स्टोरेज मिलता है, इसकी स्पीड काफ़ी बेहतर मानी जाती है। तो एक तरीके से स्मार्टफोन ऐसे यूज़र को ज़्यादा सूट करेगा जो गेमिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और ऐसे यूज़र जो वीडियो शूट और फोटो शूट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर सैमसंग अपने S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी आपको देगा, जो कि 45W के पावर एडाप्टर के साथ आएगा और सपोर्ट करेगा क्विक चार्जिंग को। तो मतलब कि आपकी 50-60% बैटरी 10 मिनट्स में ही चार्ज हो जाएगी। सिक्योरिटी से रिलेटेड स्मार्टफोन में आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस सिक्योरिटी मिल जाती है, तो ऐसी कोई भी लिक्विड डैमेज की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है S24 अल्ट्रा में। अब अगर सैमसंग के S24 सीरीज के स्मार्टफोन के प्राइस की बात करते हैं तो ये स्मार्टफोन स्टार्ट हो जाते हैं 50,000 से लेकर के 98,000 रुपीज़ के रेंज तक। अब ये डिपेंड करता है आप कौन सा स्मार्टफोन बाय करते हैं, और अगर हायर वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सैमसंग S24 अल्ट्रा स्मार्टफोन निकल के आता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।